आदाब, आप देख रहे हैं द वर्क न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शिराज। इस वक्त हम मौजूद है सुजमा फिरदौसाबाद में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है वार्ड नंबर 74 के कॉर्पोरेटर सोबत अली चौधरी, जो कि आज यहां पे एक ड्रेन का इनॉग्रेशन करने हैं। सर वेलकम हमारे चैनल पर। शुक्रिया जी। सर यहां पे आज ड्रेन का काम चल रहा है, आप क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, ये लेन और ड्रेन का जो काम जो शुरू हुआ है, ये बड़ी देराना इनकी डिमांड थी इस एरिया की। हम इस वक्त फिरदौसाबाद वार्ड नंबर 74 में कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जब से ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया फाइल किया, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आई, तब से इनकी डिमांड थी। एरिया बड़ा होने के कारण, एरिया ज्यादा होने के कारण थोड़ा लेट आया, लेट काम हुआ। तो हम यही चाहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। मेरे साथ मेरे साथी जवेद खतीब जी और साथी मुजीद जी, बद्री खजूरिया जी, हाजी साहब और सब सिविल सोसाइटी सीनियर सिटीजन खड़े हैं। पहले तो मैं जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने ये डिमांड हमारी सुनी और इसको ये काम शुरू करवाया। और खासकर जिस कंट्रैक्टर को ये कंट्रैक्ट मिला है, मैं वो भी आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उसने बहुत से काम इस एरिए में भी और बहुत से ऑफिशियल बिल्डिंग बनाई है जो कि सराहनीय है। तो मैं चाहता हूं कि ये बहुत से अच्छा काम करेंगे। ये लेन और ड्रेन का काम है, कवरिंग ड्रेन का काम है, ये 8-10 लाख का काम है। तो इसी तरह मैं आपके जरिए एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ी बाढ़ होने के कारण बहुत से काम हमारे पेंडिंग है, बहुत से काम हमारे अंडर प्रोसेस है, बहुत से काम हमारे अप्रूवल हुए हैं लेकिन उनकी कुछ अलाटमेंटें बाकी हैं या कुछ उनके काम बाकी हैं। तो मैं चाहता हूं वो भी जल्दी से जल्दी हमें अलॉटमेंट मिले, ताकि जो लोगों को परेशानियां आ रही हैं इस एरिए में, उन परेशानियों का भी हम। सर यहां पे जो मेन रोड है वहां पे बहुत प्रॉब्लम है, कई जगह मेन रोड पे नालियां नहीं है, तो मेन रोड के नाले भी बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिये, जो मेन रोड है, मेन रोड पर जब 2018 में कॉर्पोरेशन का एरिया हम बने, हिस्सा बने, हमने मेन फोकस ही मेन रोड पर किया था। जैसे आप बठिंडी से आते थे, बठिंडी वाली साइड से सुजमा रोड का आपने 2 साल पहले भी हालत देखी होगी, 3 साल पहले भी देखी होगी, अब 4 साल कॉर्पोरेशन को होने वाले हैं। तो हम ये नहीं कहते हैं कि हमने बहुत वो फने खां वो बहुत कुछ मारा है, लेकिन हमने जनरल कामों पर ज्यादा तवज्जो दी है, फोकस जो जो के हर एक के काम आए। हमने आप जैसे बठिंडी से शुरू होते हैं, जो कलबर थे जो सुजमा से शुरू बठिंडी से शुरू होते थे कलबर, सुजमा तक कम से कम 7 कलबर्ट, जो एक एक कलबर्ट 50-50 लाख की ज्यादा लागत से हमने करवाए। आप नवाबाद ले लीजिए, जवेराबाद ले लीजिए, आप ये आर्मी गेट ले लीजिए जहां हार्डवेयर वगैरह दुकानें हैं, ये जलालाबाद चौक ले लीजिए जहां 2-2 घंटे 3-3 घंटे जाम लगा रहता था लोगों को आने जाने में, मस्जिद में जाने में पैदल चलने वालों को बहुत सी परेशानी आती थी। और मैं अपने आपके जरिए अपने बाड़वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि हमने भी पूरी नजर बनाई हुई है, हम भी दिन ब दिन यही देखते हैं कि हमें जरूरत कहाँ है, किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, उस चीज पे हम जोर दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अभी हमारे पास कुछ आपके जरिए बताना चाहते हैं कि 1.5 करोड़ की एक तारकोल बिछनी है इस बाढ़ में। मुझे लगता है इंशाल्लाह उसमें मैक्सिमम जो हमारी लैंड ड्रेन रह गई है वो उसमें कवर हो जाएंगे, और कुछ एरिया अगर जो रह गया उसको आगे भी अप्रूवल कराने की कोशिश करेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम जी बहुत मशहूर हैं इनके, चौधरी साहब के, कि इन्होंने ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग हमारी डिमांड जो है वो पूरी की है। वो आगे गुजारिश ये रहेगी कि ट्रेन तो बन रही है हमारी, साथ साथ में लैंड की जो टाइलिंग है।